अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वही हमारे पास सेंट्रियोल। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हवाले से बयान है, सेंट्रियोल्स आर शॉर्ट बैरल शेप स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। ये माइक्रोट्यूबल्स से बने हुए होते हैं और एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं और इस तरह से लंबे से इनके स्ट्रक्चर्स ये मौजूद होते हैं। आगे लिखा हुआ है विच आर नॉन मेम्ब्रेनस, इनके ऊपर इन माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइंग परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से, जैसे आप देखेंगे ये एक सीधा इस तरह से मौजूद है सेंट्रियोल, तो दूसरा इसी को क्रॉस किए हुए इस तरह से मौजूद है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और सेंट्रियोल जिस जगह पर होते हैं उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। मज़ीद इसके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है इच सेंट्रियोल इज़ कम्पोज ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। हर सेंट्रियोल जो है उसके अंदर जो है 9 सेट माइक्रोट्यूबल्स के मौजूद होते हैं, लेकिन 9 सेट किस तरह से कि वो तीन तीन के सेट होते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको ये तीन माइक्रोट्यूबल्स नज़र आ रही हैं, इन तीन माइक्रोट्यूबल्स को हम ट्रिपलेट कहेंगे। इसी तरह से आप सबको काउंट करेंगे, जैसे ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया, ये चौथा ट्रिपलेट हो गया, तो इस तरह से इनके 9 सेट बनते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ अरेंज इन रिंग, रिंग की तरह से ये जो है इस तरह से ये मौजूद होते हैं। मज़ीद बात करेंगे कहाँ मौजूद होते हैं, तो लिखा हुआ है दे अपियर्ड इन एनिमल सेल इन फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेल डिवीजन से थोड़ा पहले ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। और किन के अंदर बनेंगे ये, बनते हैं एक तो एनिमल सेल के अंदर और दूसरा ये फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के अंदर। जैसे कि हमने स्लाइम मोल्ड वाटर मोल्ड इनको जिक्र किया था जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट थे, तो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट और एनिमल सेल के अंदर ये सेल डिवीजन से थोड़ा सा पहले बनते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन से पहले बन रहे हैं तो इनका काम सेल डिवीजन में मदद करना होता है, यानी कि सेल को तकसीम करने में, दो सेल के बनावट के दौरान क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में इन्हीं सेंट्रियोल्स का रोल होता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि कहाँ बनेंगे, नियर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के करीब ही ये बनते हैं। देयरफॉर द प्लेस वेयर दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। जहाँ ये मौजूद होंगे जिस जगह पर उसे हम सेंट्रोसोम कह रहे हैं, और सेंट्रोसोम कहने की वजह क्या है, क्योंकि सेंट्रो जो है वो सेंटर को लिए लफ्ज़ है और सेंटर के लिए दूसरा न्यूक्लियस है, यानी कि ये न्यूक्लियस के करीब है तो इसलिए इसको सेंट्रो, और जोमा माना बॉडी कह रहे हैं, तो दरअसल ये इसकी जगह के लिए यूज़ होता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द सेंट्रो डुप्लीकेट्स एंड बिकम टू पेयर्स। जब सेल डिवीजन होगी सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, यानी कि इस तरह से अगर ये दो सेंट्रियोल मौजूद थे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे और टू पेयर्स यानी कि चार सेंट्रियोल बन जाएंगे। और लिखा हुआ है मूव टू अपोजिट साइड ऑफ द सेल, सेल की दोनों अपोजिट साइड चली जाएंगी। मिसाल अगर एक सेल है, एक सेंट्रियोल इस तरह से यहाँ पर मौजूद है पेयर उनका, तो दूसरा उसकी अपोजिट साइड में चला जाएगा। एंड थ्रेड लाइक फाइबर बिगेन टू रेडिएट फ्राम सेंट्रियोल इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड एस्ट्रल रेज। और फिर इस सेंट्रियोल में से, जब सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है, तो उस सेंट्रियोल में से कुछ धागे निकलना शुरू हो जाएंगे और उन धागों को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, जो कि फिर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है सेंट्रियोल आल्सो फॉर्म बेसल बॉडी काइनेटोसोम विच फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर एक बेसल बॉडी वाला स्ट्रक्चर था, वो भी इसी सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसी सेंट्रियोल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो ये डी स्टूडेंट्स, ये हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।